नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्टीशन लिटरेचर से जुड़ी हुई उन सभी बैकग्राउंड टॉपिक्स को, साथ ही साथ लिंक करेंगे हिस्ट्री यानी कि 1947 इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न, उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, ठीक है, 1947 का डिवीज़न इंडिया पाकिस्तान का और 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इन चीज़ों को मैं लिंक करूँगा इन टॉपिक्स के साथ। बस्ती अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे मैंने अभी वीडियोस डाली है दिव्येंदु पलित के द्वारा लिखे गई, आलम सोन हाउस, मानिक बंदोपाध्याय की फाइनल सॉल्यूशन, सादत हसन मंटो की, टोबा टेक सिंह, ललिता अंबिका की द्वारा लिखी गई अ लीफ इन द स्टॉर्म, इन चारों के ऊपर जो है वीडियोस डाल रखी है मैंने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा अमिताभ घोष, शैडो लाइंस और बस्ती, इसके ऊपर वीडियो डालनी रह रही है, मैं सुन मतलब जल्द ही डाल दूंगा वीडियोज़। बाकी बैकग्राउंड टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो सुन लो आप, जो मैं लिंक करूंगा इनके थ्रू से। कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, पार्टीशन पहला टॉपिक रहेगा अपना। दूसरा कॉम्युनलिज्म एंड वायलेंस। थर्ड होमलेसनेस एंड एग्जाइल। फोर्थ वीमेन इन द पार्टीशन। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए हिस्ट्री समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज़ों को, चीज़ें सारी, ठीक है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कॉलोनियलिज्म की अगर बात करें तो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना किसी और दूसरे देश में, ठीक है। तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो। जब भी पावर का इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। आप पावर के थ्रू से आप किसी को जो है अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ इम्पीरियलिज्म। अब जब एक बार इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आप अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करते हो, यानी कि अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने चर्च वगैरह वगैरह जो भी हैं, ताकि इनको जो है अपने जैसे बनाया जा सके, और उस कोशिश को कहते हैं हम कॉलोनियलिज्म, ठीक है। मतलब जब हम ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो कॉलोनियलिज्म कहलाता है। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उन्होंने इंग्लिश का प्रचार प्रसार चालू कर दिया था, क्रिश्चियनिटी का कर दिया था, उसके अलावा अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है अपनी मतलब इंडिया के कल्चर में जो है इंजेक्ट करने लगे थे, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म, ये आपको समझ आ गया है आई थिंक। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे इंडिया को, 1947 का टाइम था वो, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, और एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ और दो देश बने। इंडिया जो टूट के दो डोमिनियन बना, कौन कौन? एक ईस्ट, एक तो ये आपका पाकिस्तान और एक इंडिया। पाकिस्तान की दो टेरिटरी जो थी, अब कहाँ कहाँ थी, बड़े ही विचित्र बात है यहाँ पे, बड़ा ही अजीब लगेगा आपको सुन के। एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना। और वेस्ट पाकिस्तान आज आपका बांग्लादेश है, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, जो कि एक अलग देश बन चुका है। पहले ये पाकिस्तान ही था, ठीक है। जब 1947 में डिवाइड हुआ तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के ही पार्ट थे। पाकिस्तान ने दो टेरिटरी क्लेम की थी। वैसे एक बीच में और हैदराबाद भी क्लेम कर रहा था, अलग होने की कोशिश कर रहा था इंडिया से, बट हो नहीं पाया, वो अलग रीज़न है, कभी और पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण नहीं हो पाया। तो ये दो टेरिटरी पाकिस्तान की थी। अब 1947 में आज़ाद हुआ पाकिस्तान, दो टेरिटरी थी इसके पास, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। आगे जाके वेस्ट पाकिस्तान पे इस वाले पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा, क्योंकि सारा कुछ यहीं से बनता था, रूल रेगुलेशन सारा कुछ यहीं से चलता था, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कहर बरपाया इन लोगों ने। मतलब एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ईस्ट पाकिस्तान की, इनकी कम है, बट स्टिल सारा कुछ यहीं से ऑर्डर पास हो रहा है। इनका ये था कि उर्दू फॉलो करो, एक तो लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक डिफरेंस आ रहा था बीच में, ये कह रहे थे उर्दू फॉलो करो, और ये यहाँ पे बंगाल के करीब थे तो हमेशा से ये बंगाली जो है शुरू से पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं, तो इनको लगा कि यार ये तो एक डिक्टेटरशिप टाइप की हो गई कि हमारा कल्चर छीनने की बात कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान। तो धीरे धीरे जो है बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी बनी और फिर वॉर हुआ 1971 में, और इंडिया ने मदद करी ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में। समझ आया ये? मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन के निकला, और 1971 की वॉर में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए इंडिया के सामने और बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के सामने, और ईस्ट पाकिस्तान जो है एक नया देश बन के निकला बांग्लादेश के रूप में, ठीक है। तो ये तो था बैकग्राउंड आपका। और थोड़ा सा अगर मैं और बताने की कोशिश करूँ तो देखो, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बने तो ये रहा बॉर्डर आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 मिलियन लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो मैं टॉपिक अब लिंक कर रहा हूँ, मैंने आपको कॉलोनियलिज्म बता दिया, जब भी, और पार्टीशन भी बता दिया, पार्टीशन कैसे हुआ, मतलब पार्टीशन क्या होता है, देश का विभाजन, बाउंड्री खींच देना भाई, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है।
तो ये भी बता दिया मैंने, नेशनलिज्म वगैरह भी बताऊंगा। तो वायलेंस का बहुत ज़्यादा जो है देखा जा सकता था, लगभग 2 मिलियन लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो गए। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैं यही बता रहा था कि होमलेसनेस फील होगा आपको। अब मान लो आपका घर था पाकिस्तान में, मतलब आज जो पाकिस्तान है वहाँ पे घर था किसी का, मान लो वहाँ पे किसी का घर था पाकिस्तान में। अब आपको पता चल रहा है कि सारे हिंदू जो हैं इंडिया मूव कर रहे हैं, अब आपको अपनी ज़मीन छोड़ के आनी पड़ेगी सिंध के, मान लो सिंध कहाँ पे है पाकिस्तान में, तो आपको सिंध छोड़ के अब इंडिया आना पड़ेगा। और वो भी आपको बिना सिक्योरिटी के कि क्या मिलेगा क्या नहीं इंडिया में, अब क्योंकि इंडिया में आपका कोई परमानेंट घर तो है नहीं, आप एक रेफ्यूजी बन के रह जाओगे। तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस देखा जा सकता था वहाँ पे, लोग जो हैं एग्जाइल में रह रहे थे। एग्जाइल समझ रहे हो, मतलब अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह में, उनको क्या लेना देना, आप खुद बताओ उनको क्या लेना देना कि ये इंडिया है कि पाकिस्तान है। बट स्टिल उनको एग्जाइल होना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, और होमलेसनेस आराम से देखा जा सकता है। तो कई बार जो है, इवन अगर मैं बात करूँ दिवेंदु पलित के द्वारा जो नोवेल, ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है आलम सोन हाउस, उसमें आप ये होमलेसनेस देख सकते हो। क्योंकि आलम जो है फील करता है कि उनका जो कोलकाता वाला घर था, अब वो एक अंकल के पास ट्रांसफ़र हो गए हैं। और वो अंकल पहले कहाँ रहा करते थे, बांग्लादेश, यानी कि वो अंकल बांग्लादेश में रहा करते थे पहले, और आलम रहा करता था कोलकाता में। अब इन्होंने घर जो है आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश और इंडिया अलग अलग बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया, आलम के परिवार ने कलकत्ता वाला घर जो है छोड़ दिया और अपने अंकल के उस बांग्लादेश वाले घर में शिफ्ट हो गए। और उनका वो अंकल वाला बांग्लादेश का घर जो है उसमें आलम शिफ्ट हो गया, और आलम के घर में ये जो है आलम के घर में वो उनका अंकल शिफ्ट हो गया। मतलब एक एक्सचेंज देखा जा सकता है। और होमलेसनेस फील होता है आलम को हमेशा कि यार मैं जहाँ पे पला बढ़ा वहीं पे ऐसा हो गया, मतलब अब मैं ही मेहमान की तरह आ रहा हूँ अपने घर में। जब वो वापस कलकत्ता आता है कुछ सालों बाद एक सेमिनार अटेंड करने कलकत्ता में बांग्लादेश से, तो ये फील करता है कि मेरी ही धरती, मैं यहीं पे पैदा हुआ, बट स्टिल मैं एक बेघर की तरह, एक अनजानों की तरह जो है अपनी इसमें भटक रहा हूँ। ठीक है, देख होमलेसनेस जो है और एग्जाइल जो है फील होता है। और पार्टीशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई, लगभग 2 मिलियन, मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, 2 मिलियन जो है लोग जो है बेघर हो गए थे, अराउंड डिस्प्लेस हो गए थे। कुछ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रेफ्यूजी क्राइसिस की, रेफ्यूजीज़ की। ठीक है, घर बार है नहीं, टेंटों में जीवन बिता रहे हैं। ये चीज़ आपको टोबा टेक्सिंग में भी मिलेगा, टोबा टेक्सिंग में कैसे पागलखानों में रखा गया था पागलों को, और एक लीफ इन द स्टॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे वो लड़की जो है एक रेफ्यूजी टेंट में रहती है। तो मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की। अब एक टॉपिक और रह रहा था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म अब क्या कहना, आपको तो पता ही है नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद। भाई राष्ट्र के हित में जो चीज़ सही है, अब सही नहीं भी है तो आंख मूंद के विश्वास कर लेना। जैसे अभी की अगर बात करें तो टिकटॉक बैन हुआ है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज टर्निंग इनटू अ नेशनलिस्ट। ठीक है कि भाई ठीक है टिकटॉक बैन हुआ है, ठीक है बहुत अच्छा हुआ है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ नेशनलिज्म, आप पूरे ही बढ़ चढ़ के जो है अपने नेशन की उसमें खातिर जो है फिर आ जाते हो, उमड़ आते हो कि नहीं वी विल सपोर्ट आवर नेशन। दैट इज़ नेशनलिज्म, ए काइंड ऑफ फीलिंग टू डाई फॉर द नेशन, टू सपोर्ट द नेशन, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, जब ये एक जिद सी आप पाल लेते हो मन में, इस टाइप की फिलोसॉफी, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, कि राष्ट्रहित में जो भी बढ़िया होगा, जो भी अच्छा होगा उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ मुस्लिम लीडर्स की, जिन्होंने इसी को एक मुद्दा बनाया कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग एक धरती होनी चाहिए पाकिस्तान नाम की, तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट मूवमेंट बन गया कि पाकिस्तान जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको जो है एक अलग धरती मिले, और एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बना पाकिस्तान का ये। और फिर देना पड़ा, ठीक है, मुस्लिम लीग को देना पड़ा हमें पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में टूटा था। तो ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब कॉम्युनलिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म होता है ऐसे समझ लो आप जातिवाद टाइप में, जातिवाद तो कास्टिसिज्म हो जाएगा वैसे, संप्रदायवाद होता है ये। ठीक है, संप्रदाय संप्रदाय अब क्या होता है, जैसे लेट से पहले इंडिया इंडिया में क्या था, मुगल के टाइम पे हिंदू मुसलमान एक ही धरती पे रह रहे थे। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज आए उसके बाद डिफरेंसेस बढ़ी, अब हिंदू जो है मुस्लिम जो है वो अलग लैंड की डिमांड कर रहे हैं। अब मतलब एक कॉम्युनलिज्म की भावना है कि भाई तू तू अलग रिलीजन का है, मैं अलग रिलीजन का हूँ। ये भावना जब आई तो इस फीलिंग, इस फिलोसॉफी को हम कहेंगे कॉम्युनलिज्म। ठीक है, कि तुम अलग संप्रदाय से हो, मैं अलग संप्रदाय से हूँ।
समझ आई ये चीज़ कि कॉम्युनलिज्म को और एक बार थोड़े से अच्छे से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से डेफिनेशन देख के, बाकी मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। संप्रदायवाद बोलते हैं वैसे, एक ऐसा प्रिंसिपल है ये यहाँ पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो आप, कि आप एक एथनिक मतलब एक पार्टिकुलर टाइप के ग्रुप या सोसाइटी को जो है आप बेटर मानते हो, ठीक है, आप उसके सपोर्ट में आ जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो कुछ मुस्लिम जो हैं वो इंडिया के फेवर में रही, उन्होंने नहीं छोड़ा है मतलब इंडिया को फिर, ठीक है, और कुछ जो थे वो कम्युनलिज्म के कारण मतलब कि भाई एक अलग ग्रुप बनना चाहिए मुस्लिमों का, तो उन्होंने जो है पाकिस्तान का फेवर किया। तो एक कम्युनलिज्म जो है देखा जा सकता था पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है, और इसके कारण ही वॉर हुए। अब इसके कारण ही क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ अगेंस्ट विमेन। आप देख सकते हो, मान लो अगर विमेन हिंदू है तो मुस्लिमों के द्वारा जो है रेप किया गया। सिमिलरली जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, सब ऐसे नहीं थे, मैं एक बात बता दूँ, सब ऐसे नहीं थे, सब इतने बुरे नहीं थे, दोनों जगह से जो है वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ था, मास मर्डर हुए थे, मास जेनोसाइड हुआ था। आप अगर खुद देख लो ना, अगर मैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात करूँ 1971 की, मतलब हम 47 में आज़ाद हुए थे, और 1971 की बात करें 1971 की, तो बांग्लादेश पे इतना कहर बरपाया पाकिस्तान ने, वहाँ के स्टूडेंट को पीटा गया, मास जेनोसाइड किया गया, पता है। तो एक वायलेंस तो देखा जा ही सकता है पार्टीशन के टाइम पे, क्योंकि आप जो है एक चीज़ को बेटर मानने लगते हो, दूसरी चीज़ को जो है वीक मानने लगते हो, ख़राब मानने लगते हो, ठीक है। अब जब भी आपके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं आप उसे दबाना चाहते हो, और दबाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, वायलेंस का। जस्ट फॉर दिस सिंपल एग्जांपल अगर बात करो तो हांगकांग में क्या हो रहा है चाइना के द्वारा, यू कैन ईजिली सी दैट, राइट। तो आपको ये सारे टॉपिक मैंने लिंक करवा दिए, ओप्सो कि मैंने कॉलोनिज्म बता दिया, नेशनलिज्म बता दिया, पार्टीशन बता दिया, कम्युनलिज्म वायलेंस हो गया, होमलेसनेस एग्जाइल हो गया, और वीमेन इन द पार्टीशन अगर बात करें तो वही बता रहा था ना कि वीमेन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। रेफ्यूजी क्राइसिस में तो अगर बात करें तो भाई टेंट हाउसेस में इनके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था, रेप वगैरह का तो पूछिए ही मत, कितनी तो वीमेन का रेप हुआ था, कितने ही तो परिवारों को मार दिया गया था। स्पेशली अगर पंजाब की बात करें, जो कि एक शो किया गया है आपका लीफ इन द स्टॉर्म में, लीफ इन द स्टॉर्म में उस लेडी के साथ क्या हुआ था, उसके सभी परिवार वालों को मार दिया गया था। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द वीमेन, कि उन्होंने अपना हस्बैंड खोया, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ खो दिया, और लास्ट में उनके साथ रेप भी हो गया, ठीक है, और कोई राइट्स थे नहीं उतनी ज़्यादा, और ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह तो आज है सोसाइटी में, तो भी रेप वगैरह केसेस इतनी है सोसाइटी में आजकल। तो उस टाइम पे सोचो कि क्या हुआ होगा, जब कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ढंग से काम ही नहीं कर रहा था, देश आज़ाद ही हुआ था रिसेंटली, ठीक है, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो बॉर्डर और बाउंड्री का जो खेल है एक पॉलिटिकल, आम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। आप क्या फ़र्क पड़ता है आपको, मान लो आप बॉर्डर पे रहते हो, बिल्कुल दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे रहते हो, कभी आपका नेटवर्क जो है दिल्ली का पकड़ता है, कभी यूपी का पकड़ता है, बिल्कुल आप बॉर्डर पे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको, क्या बाउंड्री का आप फ़र्क पड़ता है मान लो। लेकिन कल को अगर बाउंड्री खिंच जाती है यूपी और दिल्ली के बीच में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी आप लोगों को। हो सकता है आपके रिलेटिव वहाँ पे हो कुछ, और दिल्ली वालों को रिलेटिव यूपी में हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। और जब इसमें कम्युनलिज्म वाली चीज़ और गिर जाती है, एज अ घी की तरह काम करती है फिर आग में, क्यों कि तुम बेटर हो कि हम बेटर हैं, ये वाली चीज़ जब आती है ना, और एक एथनिक वो जुड़ जाता है पीछे, एज अ आइडेंटिटी जुड़ जाती है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, जो भी हूँ, तो ये चीज़ और ख़राब हो जाती है, और चीज़ें होती हैं वो वायलेंस की तरफ जो है ज़्यादा मूव करने लगती है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स जो है, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ बना दीजिए, तो मैंने बना दिए वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई चीज़ मैंने मिस करी है क्या वो भी बतानी है, और कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ थम्सअप कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी टाइप की जो है वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आप लोगों के बीच, और जुड़े रहिए। ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर होता है तो पूरी हेल्प की जाएगी मेरी तरफ से। गेटिंग माई पॉइंट, सो it's the end of the video, we will meet you in the next video, it's enough for this today's session, theek hai, jai hind doston, thank you।